इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बेबी पिग को दिखाया जाता है जो जंगल में अकेला घूम रहा था। पिग को अकेला देखकर एक अजगर उसे खाने की कोशिश करता है, मगर कुछ बंदर आकर अजगर का ध्यान भटकाते हैं, जिसकी वजह से पिग बंदर के साथ वहाँ से भाग गया। अजगर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। बंदर जंगल में मस्ती करते हुए एक पांडा के पीछे छिप जाते हैं। अजगर कहता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पांडा अजगर को उठाकर फेंक देता है, जिस बात से गुस्सा होकर अजगर पांडा से कहता है कि मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पांडा की पत्नी मिसेस पांडा आती है। पांडा अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। बंदर वहाँ मस्ती करने लगते हैं। वहीं मिक नाम का भालू नींद में सपना देखता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। मिक को अपने घर पर एक पैम्पलेट मिलता है, जिस पर लिखा था कि जंगल से पहली बार अंतरिक्ष में ऑस्कर जा रहा है, जो कि खरगोश है। मिक ऑस्कर को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो पैम्पलेट को फेंक कर अपने माइंड को ठंडा करने की कोशिश करता है। तभी उसके पास एक एक करके कई जानवर आते हैं, जो उसे रॉकेट लॉन्च देखने के लिए चलने को कहते हैं। मिक सभी से कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सब कहते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। मिक सभी की बातें सुनकर गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है और मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं वहाँ नहीं आऊँगा। बाकी जानवर समझ गए थे कि मिक रॉकेट को देखने नहीं आएगा, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ऑस्कर सभी जानवरों से पूछता है कि मैं क्यों नहीं आया। सभी कहते हैं कि उसने आने से मना किया। ऑस्कर अपना रॉकेट लेकर उड़ने लगता है और काफी खुश होता है, मगर रॉकेट खराब होने की वजह से वो हवा में ब्लास्ट हो गया था, जो ऑस्कर के लिए एक बड़ा फेलियर था। सभी जानवर सोचते हैं कि ऑस्कर मर गया है। वहीं मिक अपने घर पर था, उसके ऊपर रॉकेट के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो छिप जाता है। और थोड़ी देर बाद ऑस्कर भी वहीं आकर बी हाइव्स के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से बी उसके पीछे पड़ गई, जिनसे बचने के लिए मिक ऑस्कर को अपने घर के अंदर ले जाता है। वहीं कुछ क्रेन जानवरों के बच्चों को डिलीवर करने का काम करते थे, जिसमें कार्ल नाम का एक क्रेन था। बाकी एक क्रेन कार्ल का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने पहले एक जेब्रा के बच्चे को घोड़े को डिलीवर कर दिया था, और अब वो पांडा के बच्चे को डिलीवर करने जा रहा था। सभी कार्ल से कहते हैं कि इसे भालू को डिलीवर मत करना। सभी वहाँ से अलग हो जाते हैं, मगर तभी हवा में एक बाल्टी उड़ रही थी, जो कि ऑस्कर के रॉकेट की थी। वो कार्ल के सर में फंस गई, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से टकरा गया, और उसे याद नहीं रहा कि बच्चे को किसे डिलीवर करना है। कार्ल को मिक का घर दिखता है और उसे लगता है कि बच्चा भालू का है, और उसे मिक के घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। वहीं मिक ऑस्कर पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी वजह से सभी भी वहाँ से उड़ गई थी। ऑस्कर कहता है कि अगर तुम भी को सही जगह पर रखते तो नहीं उड़ती। मिक कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम एक फेलियर आदमी हो, जिसके एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे हमेशा परेशानी होती है, और उसे घर से बाहर जाने को कहता है। ऑस्कर कहता है कि तुम सही हो, मगर मैं अब तुम्हारे लिए बिना बी के शहद बनाऊंगा। मिक उसे फिर भी अपने घर से जाने को कहता है। ऑस्कर कहता है कि मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो घर से बाहर आए। उन्हें बाहर एक बेबी पांडा दिखाई दिया। ऑस्कर बेबी की टोकरी में से एक नोट उठाकर पढ़ता है और मिक से कहता है कि तुमने इसे क्यों मंगवाया। मिक कहता है कि मैंने इसे नहीं मंगवाया। तभी बच्चा रोने लगता है। मिक ऑस्कर से कहता है कि तुम इसे कैसे भी चुप करवाओ, मैं बच्चों को रोता नहीं देख सकता। ऑस्कर कहता है कि इसे शायद भूख लगी होगी, हमें इसे दूध पिलाना होगा, और उसे कच्चे नारियल का पानी पिलाते हैं, जिसे पीकर बच्चा चुप हो जाता है। ऑस्कर मिक से बच्चे को अपने साथ रखने को कहता है, मगर मिक उसे रखने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे इसके मॉम डैड के पास छोड़ आऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी रेगुलर लाइफ जीनी है और इसके साथ रहकर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऑस्कर कहता है कि हम दोनों इसे साथ छोड़ने जाएंगे, मगर मिक उसे मना कर देता है। मिक घर के अंदर से एक मेप लाता है और उसे देखकर कहता है कि पांडा बांस के इलाके में रहते हैं और एक बड़ा सफर होगा, मगर मैं इसे नदी के रास्ते लेकर जाऊं तो शायद ही आसान होगा, और उसे अपनी बोट से छोड़ने जाता है। ऑस्कर मिक के साथ चलने के लिए काफी रिक्वेस्ट करता है, मगर उसे साथ नहीं ले जाता। ऑस्कर मिक की बोट के नीचे लटक कर उसके साथ जाता है और एक बांस की मदद से सांस लेता है। मिक को बोट के ऊपर एक बांस दिखता है, जिसे वो खींचने की कोशिश करता है, मगर उसे बाहर नहीं खींच पाया, इसीलिए वो बांस के अंदर फूंक मारता है, जिसकी वजह से ऑस्कर फूल गया और हवा की वजह से उछलकर मिक के पास गिरता है। मिक उसे देखकर गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। ऑस्कर वहाँ से जाने लगा, जिसे देखकर बेबी पांडा रोने लगता है। मिक उसे रोता देख परेशान होता है, मगर ऑस्कर ने उसे चुप करवा दिया था। मिक ये सब देखकर
ऑस्कर को अपने साथ चलने को कहता है। मिग ऑस्कर से कहता है कि बोर्ड तुम चलाना, मैं सोने जा रहा हूँ और ध्यान रखना कि बच्चा रोए नहीं। और वो सोने चला जाता है। ऑस्कर के पास डुक नाम का एक पेलिकन पक्षी आता है। उसकी आवाज़ सुनकर मिग भी वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। डुक कहता है कि मैं बस यहाँ चाय पीने आया हूँ। मिग कहता है कि आज हम किसी को चाय नहीं पिलाएंगे तो तुम जा सकते हो। मगर बेबी पांडा फिर से रोने लगा। बेबी ऑस्कर के चुप कराने से भी चुप नहीं होता। डुक तभी एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसकी वजह से बेबी चुप हो गया था। मिग डुक को भी अपने पास रुकने को कहता है। रात होने की वजह से सभी नदी के किनारे रुक गए थे। वही जनुस नाम का एक वुल्फ जंगल से काफी डरता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। जनुस के सामने उसके जैसा एक चमकीला वुल्फ आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर का डर हूँ जिसकी वजह से तुम पैरालाइज हो जाते हो। जनुस कहता है कि मैं तुमसे काफी परेशान हूँ और तुम मेरे दिमाग का वहम हो। डर कहता है कि मैं रियल में हूँ और मैं तुम्हें छूकर दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जनुस वहाँ से डरकर भाग जाता है। वही मिक और उसके सभी साथी सो जाते हैं। मिक एक बुरा सपना देखता है जिसकी वजह से वो डरकर चिल्लाता है और ऑस्कर से कहता है कि कुछ गलत होने वाला है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, पर मैंने सपने में देखा था कि तुम मेरे बेटे हो और वो एक खतरनाक सपना था। मिक और ऑस्कर बोट के अंदर जाने लगते हैं और डुक से बेबी पांडा का ध्यान रखने को कहते हैं। जनुस भागकर मिक के पास आता है और डर की वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। मिक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। जनुस कहता है कि मैं हर चीज से डरता हूँ जिसकी वजह से मैं पैरालाइज हो गया। बेबी पांडा फिर से रोने लगता है मगर वो किसी से चुप नहीं होता। जनुस वुल्फ की आवाज निकालता है जिसकी वजह से बेबी चुप हो गया। इसीलिए मिक जनुस को भी अपने साथ चलने को कहता है। वही अमूल नाम का टाइगर एक बी के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं एक टाइगर हूँ। हम साथ में कविता लिख सकते हैं या फिर खेल के बारे में बात कर सकते हैं। मगर बी वहाँ से उड़ जाती है जिसकी वजह से अमूल काफी उदास होता है क्योंकि कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। अगले दिन सुबह मिक अपने साथियों के साथ नाव में था मगर फोग की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और नाव चट्टानों से टकराने लगती है। मिक डुक से बेबी पांडा को लेकर उड़ने को कहता है। डुक बच्चे को लेकर उड़ जाता है और मिक से कहता है कि आगे किनारा है, तुम नाव को वहाँ तक लाने की कोशिश करो। ऑस्कर नाव को चलाता है और नाव एक बड़े से चट्टान से आकर टकराती है और हवा में उछलकर नीचे गिर गई जिसकी वजह से नाव टूट गई थी। मिक ऑस्कर पर गुस्सा होकर कहता है कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें नाव चलाने दी। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाता हूँ। इसीलिए वो सभी जानवरों को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है मगर फिर से बेबी पांडा रोने लगता है। मिक उसे चुप कराने के लिए कोशिश करता है मगर बेबी चुप नहीं होता। तभी वहाँ अमूर आता है और मिक से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई। अमूर को देखकर बेबी चुप हो गया था। मिक उसे कहता है कि मैं बेबी पांडा को उसके मॉम डैड के पास छोड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और वो सभी के साथ बेबी को लेकर साउथ की तरफ जाने लगता है जो कि एक रेगिस्तानी रास्ता था। मिक सभी के साथ एक बड़ी दीवार के पास पहुँचता है। डुक दीवार को देखकर कहता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। डुक बेबी को लेकर दीवार के उस पार उड़ जाता है और मिक सभी को इस तरफ से दीवार के उस तरफ फेंकता है मगर वो अकेला दीवार के उस तरफ रह गया था। इसीलिए वो एक लकड़ी पर खड़ा होता है और डुक से लकड़ी की दूसरी तरफ पत्थर गिराने को कहता है जिसकी वजह से वो चलकर दीवार को पार कर लेता है। मिक बेबी को नीचे रख देता है। बेबी पांडा टोकरी से उठकर चलने लगता है। बेबी को चलता देखकर सभी काफी खुश होते हैं मगर तभी उनके पीछे से कुछ हाथी दौड़कर आते हैं जिनसे बचने के लिए वो भागकर छुप गए थे। मिक कहता है कि हमें रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी और ऑस्कर बच्चे का ध्यान रखेगा। सभी सो जाते हैं और ऑस्कर बच्चे को लोरी सुनाता है। बेबी पांडा ऑस्कर को पापा कहकर बुलाता है। ऑस्कर कहता है कि कल तक तुम अपने मॉम डैड के पास चले जाओगे और वो सो जाता है। अजगर बेबी पांडा को देख लेता है और उसे मिस्टर पांडा से बदला लेना था इसीलिए वो बेबी पांडा को उठाकर अपने साथ ले गया। मिक एक बुरा सपना देखता है जिसमें सभी जानवर उसे अपना डैड बोलते हैं जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई थी। मिक देखता है कि बच्चा वहाँ नहीं है। वो ऑस्कर से बच्चे के बारे में पूछता है। ऑस्कर बच्चे को ढूंढने लगता है मगर उसे बेबी कहीं नहीं मिलता जिसकी वजह से मिक उस पर गुस्सा होता है। डुक मिक से कहता है कि तुम्हें पता था कि ऑस्कर बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता मगर तुमने उसे बच्चे को सौंपा। मिक कहता है कि ऑस्कर के सिवा तुम लोग भी बच्चे का ध्यान रख सकते थे मगर तुम सब आवारा घोड़ों की तरह सोए थे। और सभी में इस बात को लेकर बहस हो जाती है जिसकी
की वजह से सभी अलग अलग हो जाते हैं। वहीं जनुस जंगल में अकेला रह गया था, जिसकी वजह से उसे डर लगने लगा और वो फिर से पैरालाइज हो गया। उसके अंदर का डर भी उसके पास आता है और उसे और डराने लगता है, क्योंकि जनुस के सभी दोस्त उसे छोड़कर चले गए थे। वहीं मिक अपने आप से बातें करता है और कहता है कि मैंने एक फैमिली को मिलाने की कोशिश की जो कि अच्छा है, और उसे लगा कि वो अब भी बेबी पांडा को ढूंढ सकता है, इसीलिए वो फिर से उसे ढूंढने जाता है। ऑस्कर को भी लगता है कि इस बार उसकी ही गलती थी, इसीलिए वो फिर से बच्चे को ढूंढने जाता है। और इसी तरह से सभी जानवरों को लगता है कि वो बेबी पांडा को अभी भी ढूंढ सकते हैं, इसीलिए सब उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं जनुस अपने डर से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मिक भी जनुस के पास आ गया था। सभी एक एक करके फिर से मिल जाते हैं। उनके पास कुछ बंदर आते हैं और इशारों से समझाते हैं कि बेबी को एक बड़ा अजगर ले गया। उनके इशारे ऑस्कर समझ गया था और वो सभी से कहता कि एक अजगर ने बेबी को पकड़ लिया। मिक बंदर से पूछता कि क्या तुम्हें पता है कि अजगर बेबी को कहाँ लेकर गया होगा। बंदर उसे अपने पीछे आने को कहते हैं। वहीं अजगर अपनी गुफा में बेबी पांडा से कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अजगर को किसी के बोलने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो घर से बाहर आता है। वहीं डूग और ऑस्कर अजगर की गुफा के बाहर जाकर मस्ती करते हैं, जिन्हें मारने के लिए अजगर उन पर हमला करता है, मगर उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। अजगर फिर से उठकर मिक को पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए ऑस्कर अजगर से लड़ता है, मगर वो सबको मारने लगता है। अजगर अमूर को खाने की कोशिश करता है, तभी जनुस के सामने उसका डर आता है, मगर जनुस उसे नहीं डरता और उसे डराकर वहाँ से भगा देता है और अजगर को पकड़ लेता है, जिसके बाद सभी मिलकर अजगर को बांध देते हैं और उसे दूर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। डूग बेबी पांडा को लेकर आता है। बेबी मिक के पास दौड़कर आता है और काफी खुश होता है। सभी जनुस की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो अजगर को हरा पाए थे और सभी इस बात से काफी खुश थे। वहीं मिस्टर पांडा एंड मिसेस पांडा अपने बच्चे के घर आने का इंतजार करते हैं, तभी उन्हें बेबी के हंसने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि उनका बेबी चलते हुए उनकी तरफ आ रहा है। बेबी को देखकर वो काफी खुश होते हैं और उसे गले लगाते हैं। ऑस्कर कहता है कि मैं बेबी को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। बेबी पांडा ऑस्कर के पास आता है और उसे गले लगाकर ऑस्कर और मिक का नाम लेता है। मिक बेबी से कहता है कि तुम बड़े होकर हमसे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हें बहुत सारा शहद खिलाऊंगा। मिसेस पांडा भी उन्हें बेबी से मिलने आते रहने को कहती है। मिक और ऑस्कर सभी से बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। बेबी उनके पीछे दौड़ता है। वहीं ऑस्कर और मिक अपने घर वापस आ जाते हैं। मिक कहता है कि एक बड़ी जर्नी थी और अपने घर के अंदर जाता है। मिक ऑस्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब हम दोस्त हैं, हम तुम्हारे लिए नया घर बनाएंगे। उसी दिन रात को मिक और ऑस्कर सोए होते हैं, तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो घर से बाहर आकर देखते हैं, उन्हें एक और बच्चा मिलता है, जिसकी वजह से मिक काफी जोर से चिल्लाता है, मगर ये कहानी यहीं पर